दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। स्वागत है आपका आज की जबरदस्त और फ्रेश वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल पर देख रहे हो, नाम लिखा हुआ है भाटिया कम्युनिकेशंस। ये दोस्तों इसका कंप्लीट नेम नहीं है, इसका कंप्लीट नेम इतना बड़ा है कि पूरे थंबनेल पर सिर्फ नाम ही आ पाता, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम को थोड़ा सा छोटा कर दिया। अभी हम लोग देखेंगे कंपनी को पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर एनालाइज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो इसमें अट्रैक्शन का कारण बनता जा रहा है वो है दोस्तों इसका जबरदस्त मौका। एक तो जबरदस्त मौका हम लोग किस बेसिस पर कहेंगे कि कंपनी कैसी है उस बेसिस पर, और दूसरा दोस्तों जबरदस्त मौका इसलिए कि कंपनी जो है वो स्प्लिट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है और 10 के बदले आपको 100 शेयर्स देखने को मिलेंगे। आप इस स्माइली को जीरो बिल्कुल भी ना समझे, ये 100 शेयर्स मैंने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो दोस्तों क्लियर हो गई है कि स्प्लिट का जो रेशियो है वो 10:1 में है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों भी आपको डेट पता नहीं चला है तो आपको वीडियो पहले पूरा देखना होगा, और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज की कंपनी कैसी है उसको अच्छे तरीके से जानने के लिए तो आपको वीडियो जरूर यहाँ पर पूरा देखना होगा, तभी आपको क्लियरली कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आज कोई भी इंग्लिश में इंट्रो नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कंपनी की साइट पर आए हैं और कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी का नाम पहले मैं आपको पूरा दिखा दूं। कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड। अब जैसे ही आप लोगों ने देखा यहाँ पर रिटेल, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है। बेसिकली इसका सेक्टर जो है वो ट्रेडिंग रखा गया है और भाटिया है चूंकि कम्युनिकेशन साथ में लगा हुआ है, तो आप प्रोडक्ट्स की रेंज पर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस होते हैं, ओप्पो, वीवो, जियोनी, इंटेक्स, ये तो सारी कंपनीज के नाम हो गए, जो भी मतलब डिवाइसेस होते हैं जैसे फोन वगैरह और भी जो भी हैंडसेट वगैरह होते हैं, वो सारी चीजों का जो दोस्तों ये होता है वो ये बंदा जो है, ये कंपनी जो है वो उसको रिटेल में ट्रेडिंग करती है। रिटेल में ट्रेडिंग का मतलब अब मेरे ख्याल से यहाँ पर आप समझ गए होंगे और यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। आवर स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क एंड सेल्स टीम कंटिन्यूसली स्ट्राइव टू अचीव कंज्यूमर डिलाइट, यानी कि इनका जो है वो बेसिकली अपना सेल्स रिटेल नेटवर्क एंड चेन एक तरीके से कह सकते हो, जिस तरह डीमार्ट काम करता है उसी तरीके से ये भी काम कर रही है। एक इनका सेल्स नेटवर्क बना हुआ है जिनके थ्रू जो है ये लोग सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइसेस को यहाँ पर सेल करती है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में मैंने आपको दिखाई दिया किस किस तरह के ब्रांड्स वगैरह थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 100+ रिटेल स्टोर है इनके पास, 18 ईयर्स का ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मतलब बालिक है एकदम, यहाँ पर लीगल है काम, 18 साल से ज्यादा का हो चुका है, 2000+ यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइजर हैं और 40 से ज्यादा दोस्तों ये लोग अवार्ड जीत चुके हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल दोस्तों देखने को यही है, अगर आपको यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करना है तो आप यहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो, मेरे को फिलहाल नहीं करना, हम लोग यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल डिटेल्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो आप इसको ओवरव्यू में इस तरीके से समझ सकते हो, जिस तरीके से डीमार्ट काम करता है, एक स्टोर्स का चेन है उन लोगों का, उसी तरीके से ये लोगों का भी चेन है, और साथ ही साथ ये सिर्फ किस तरह की चीजें बेचते हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिवाइस ही बेचते हैं। तो ये इनका आप लोगों को काम समझ में आ गया। चलिए जल्दी चलते हैं इसके फंडामेंटल डिटेल्स पर। तो फंडामेंटल डिटेल्स पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं किसी भी स्टार्स को यहाँ पर कंसीडर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कंसीडर करूंगा इसको जो की फाइनेंशियल में इसको 4 स्टार्स की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5, जो की काफी ज्यादा दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त है। वैल्यूएशन के मामले में एक्सपेंसिव होता हुआ दिख रहा है, ओनरशिप में यहाँ पर स्टेबल के क्राइटेरिया में रखा गया, और इफिशियंसी का देखे तो हम लोग यहाँ पर ऑप्टिमल है, यानी कि इफिशियंसी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बहुत ज्यादा खराब भी नहीं होगा। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा तगड़े रेटिंग के साथ आ रहा है। अब हम लोग अपने डिटेल्स को देखते हैं जल्दी से, तो देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 319 करोड़ का है, टोटल नंबर ऑफ शेयर 1,25,00,000 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर प्राइस नहीं है, 1,25,00,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, 15 से काफी ज्यादा ऊपर है, तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड कंसिडर कर रहा है। साथ ही साथ पीबी की बात करें तो ये भी 7.47 चल रहा है, यानी कि अबव 3 है, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग भी ये दोस्तों ओवर वैल्यूड हो चुका है। फेस वैल्यू की बात करें तो जबरदस्त 10 रुपए का फेस वैल्यू, जैसा कि आपको पता ही है अभी स्प्लिट का न्यूज आया हुआ है। इसके आगे की डिटेल्स दोस्तों देखेंगे तो देख सकते हैं बुक वैल्यू जो है हमारा वो 34 रुपए का है, बुक वैल्यू कितने का 34 रुपए का बुक वैल्यू, और करंट मार्केट प्राइस आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों 55 रुपए के पास चल रहा है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर बुक वैल्यू से ऊपर चला गया है करंट मार्केट प्राइस। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों ऑलमोस्ट 73 से 74% का प्रमोटर होल्डिंग समझ सकते हो। अर्निंग पर शेयर 4 रुपए की है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 13% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा 9.5% के आसपास का, यानी कि रिटर्न रेशियो मेरे ख्याल से यहाँ पर सही है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इस तरह की कंपनी इतने छोटे वैल्यूएशन की कंपनी के लिए ये रिटर्न रेशियो मैं काफी समझता हूँ। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 3% की, और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव में जाता हुआ दिखा है 30% के आसपास, थोड़ा सा नहीं है बहुत ज्यादा है एक्चुअली में। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम लोग फिक्स चीजें देखें यहाँ पर जैसे प्रमोटर्स होल्डिंग, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह, ये सारी चीजों को देखते हुए कंपनी तो मुझे बिल्कुल ठीक लगी है।
लेकिन इनकम में थोड़ा सा यहाँ पर लोचा चल रहा है, तो देख सकते हैं एक बार हम लोग क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख लेंगे। तो क्वार्टर के रिजल्ट्स में दोस्तों अभी लेटेस्ट तो नहीं आया हुआ, यहाँ पे सितंबर 21 का ही हम लोगों को देखना होगा, जिसमें सेल्स हमारा इंक्रीज होता हुआ दिखा पिछले क्वार्टर के मुकाबले, यानी कि जून के मुकाबले हमारा सितंबर में जो सेल्स है वो दोस्तों इंक्रीज होता हुआ दिखा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजिली दिखे। फिर नेट प्रॉफिट की दोस्तों बात करूंगी तो नेट प्रॉफिट का यहाँ पर स्किप पिछले क्वार्टर में दोस्तों 1,12,00,000 का नेट प्रॉफिट था, आप देख सकते हैं जून 21 में, वो दोस्तों नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होकर यहाँ पर 67,00,000 के पास आ गया, यानी कि नेट प्रॉफिट में यहाँ पर लगातार थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों आपको देख के ध्यान में रखकर चलना होगा कि क्वार्टर बेसिस पर कंपनी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन साइड डिक्लाइन होती हुई दिख रही है। सेल्स में हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी है, और चूंकि एक रिटेल चेन वाला बिजनेस है इनका, बिजनेस मॉडल रिटेल चेन वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन इश्यू हो सकता है, काफी ज्यादा है भी यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो मात्र 1 से 1.5% के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट का मार्जिन है, इनकी पैट मार्जिन यहाँ पर काफी ज्यादा कम है। तो ये बात आपको ध्यान रख के चलनी होगी अगर आपको इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना, ये टोटली डिसीजन आपके ऊपर है। मैं सारी चीजें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लगभग बराबर बराबर है, और वही सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हम लोगों ने दिखाई। प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं यहाँ पर 73% का प्रमोटर होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 26.37% का, FII और DII इसका कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पर ओवरऑल दोस्तों मैं जो अपना व्यू बताना चाहूंगा वो ये है कि कंपनी जो है वो ओवरऑल मुझे ठीक ठाक लग रही है इसके प्राइस रेंज को देखते हुए, हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ पर ओवर वैल्यूड शो हो रहा है, बट दोस्तों 55 रुपए की प्राइसिंग को देखते हुए इस तरीके की कंपनी को हम लोग कह सकते हैं कि भाई ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस है क्योंकि एक रिटेल चेन है और वो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स की, यानी कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस की, कम्युनिकेशन को तो मारिए गोली, यहाँ पर स्मार्टफोन आप समझ के चलिए सीधा का सीधा, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन ही ज्यादा बिक रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रोथ के काफी ज्यादा चांसेस हैं कंपनी के। अब ओवरऑल डिसीजन दोस्तों आप पर डिपेंड करता है, आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है ये कंपनी इस प्राइस रेंज पर। अब चलते हैं दोस्तों न्यूज की तरफ की न्यूज में क्या डंका बजा हुआ है, कितने रेशियो में, तो आपको पता चल ही गया यहाँ पर कि 1:10 का यहाँ पर स्प्लिट है, लेकिन डेट क्या है ये भी तो देखना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन आपके लिए बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे, तो देख सकते हैं दोस्तों भाटिया कम्युनिकेशन यहाँ पर 10 रुपए का ओल्ड फेस वैल्यू था, जो कि फेस वैल्यू टूटकर 1 रुपए हो जाने वाला है, यानी कि प्राइस जो है वो अपने 10वें हिस्से पर ट्रेड करने लगेगी। अगर स्प्लिट के डेट के दिन 100 रुपए की प्राइसिंग चल रही होगी मान के चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों वो गिर के 10 रुपए के आसपास ट्रेड करने लगेगी। आप एग्जैक्ट मत समझ लीजिए कि 10 पर ही ट्रेड करेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और जो डेट उसका दोस्तों दिया गया एक्स स्प्लिट डेट, वो दोस्तों 15 फरवरी 2022 है। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड डेट ज्यादा बाद नहीं, आपको रिकॉर्ड डेट करीबन 16 तारीख को देखने को मिलेगा, अगर 16 को कोई छुट्टी नहीं हुई तो। तो यहाँ पर स्प्लिट डेट से पहले दोस्तों अगर आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक आ जाता है तो फिर आपको स्प्लिट्स का फायदा मिलेगा, अन्यथा दोस्तों यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये डिस्क्लेमर आप सुन लें। तो इसका मतलब है कि आपको 15 से 2 दिन पहले, यानी कि 13 तारीख से पहले ही अगर आप स्टॉक को परचेज करते हो, तो वो T+2 का वर्किंग डेज के साइकिल को पूरा करते हुए 15 तारीख से पहले आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको 13 तारीख से पहले यहाँ पर बाय कर लिया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, स्प्लिट के बाद बाय कर सकते हैं। अब रही बात दोस्तों इसके चार्ट पर चलने की, तो चार्ट पर भी हम लोग चलेंगे, उसको अछूता बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों यहाँ पर कि आपको बहुत ज्यादा कुछ चार्ट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंडल्स देख सकते हैं आप, बहुत ही अजीब अजीब तरीके के कैंडल्स बने हुए हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोग देख रहे हैं, और मैंने भी इससे पहले इसका चार्ट नहीं देखा था। मूविंग एवरेजेस को प्लॉट करते हैं तो देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस तो ठीक ठाक है, लेकिन इसके कैंडल्स जो वो थोड़े से अजीब है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर इसमें कोई भी ट्रेड लेने से मैं तो दोस्तों बचूंगा। अगर आप थोड़े से मिड टर्म बेसिस के अगर इसमें पोजीशन लेना चाहें कि ले लिया है 1-1.5 साल में इसको वापस से सेल कर देंगे अपने प्रॉफिट को लेते हुए, तो उस तरीके की पोजीशन दोस्तों आप इसमें बना के चल सकते हो। होपफुली दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको समझ में आएगा भाटिया कम्युनिकेशन पर, मेनली ये 1:10 के स्प्लिट रेशियो पर जो बेसिकली न्यूज था उस पर ही ये वीडियो डिपेंड था, और साथ ही साथ हमारा जो फंडामेंटल डिटेल्स को हम लोगों ने एनालाइज किया उस पर भी। तो होपफुली यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर ले। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी बी सेफ एंड गुड बाय।